आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके एजुकेशन हम्मी। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के मैथ के सीजन 2022-23 के सिलेबस के बारे में। बीएससी सेकेंड ईयर के बाकी सभी सब्जेक्ट के सिलेबस की वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। बीएससी से जुड़ी ऐसी ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा कोई भी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एसके एजुकेशन हब को ज्वाइन कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेकेंड ईयर में मैथ के तीन क्वेश्चन पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड। तीनों पेपर होंगे तीन तीन घंटों के। फर्स्ट और सेकेंड पेपर होंगे 67-67 अंकों के और थर्ड पेपर होगा 68 अंकों का। तीनों पेपर को मिलाकर टोटल मार्क होंगे 200। 200 में से पासिंग मार्क होंगे 72। सबसे पहले बात करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर के मैथ के फर्स्ट क्वेश्चन पेपर के बारे में। इसका नाम है हायर कैलकुलेशन, उच्चतर कलन। इसमें यूनिट फर्स्ट है, इसमें टॉपिक है सीमा, किसी फलन की सीमा की परिभाषा, एक और दो चरों के फलनों की सीमा, निरंतरता, असंबंधताओं का वर्गीकरण, अनुक्रमिक निरंतरता, सतत फलनों के गुण, एक समान निरंतरता, दो चरों के फलनों की निरंतरता। तो ये थी यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड है, इसमें टॉपिक है अवकलनीयता, अवकलनीयता की श्रृंखला नियम, दो चरों के फलनों की अवकलनीयता, व्युत्पन्नों के लिए डारबोक्स का मध्यवर्ती मान प्रमेय, मध्यमान प्रमेय और उनकी ज्यामितीय व्याख्या, विभिन्न प्रकार के अवशेषों के साथ टेलर का प्रमेय, दो चरों के फलनों के लिए टेलर का प्रमेय। तो ये थी यूनिट सेकंड। यूनिट थर्ड है, इसमें टॉपिक है रिमन इंटीग्रल, पार्टीशन, डाबोक्स समस, लोअर एंड अपर इंटीग्रल, फंक्शन की इंटीग्रेबिलिटी, इंटीग्रल कैलकुलेशन का मौलिक प्रमेय, इंटीग्रल कैलकुलेशन का मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये थी यूनिट थर्ड। यूनिट फोर्थ है, इसमें टॉपिक है वास्तविक अनुक्रम, इसकी परिभाषा, अनुक्रमों की सीमा पर प्रमेय, बंधे और एकरस अनुक्रम, कोची का अभिसरण मानदंड, गैर नकारात्मक शब्दों की अनंत श्रृंखला, तुलना परीक्षण, कोची का एनवा मूल परीक्षण, अनुपात परीक्षण, राबे, लघुगणक, डी मॉर्गन और ब्रेटेड के परीक्षण, वैकल्पिक श्रृंखला, लाइबनीज प्रमेय, निरपेक्ष और सशर्त अभिसरण। तो ये थी यूनिट फोर्थ। यूनिट फिफ्थ है, इसमें टॉपिक है कार्यों की श्रृंखला का एक समान अभिसरण, वीयर स्टेट, एम टेस्ट, एबेल और डिरिचलेट, एक समान अभिसरण के लिए परीक्षण, अनुचित समाकलन और उसका अभिसरण, तुलना परीक्षण, एबेल और डिरिचलेट के परीक्षण, फूरियर श्रृंखला, टुकड़े टुकड़े मोनोटोनिक कार्यों का फ्यूरिक विस्तार। तो ये थी यूनिट फिफ्थ और बीएससी सेकेंड ईयर के मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन पेपर का सिलेबस। अब बात करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर के मैथ के सेकंड क्वेश्चन पेपर के बारे में। इसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। इसमें यूनिट फर्स्ट है, इसमें टॉपिक है अवकल समीकरणों की घात और क्रम, प्रथम कोटि के समीकरण और प्रथम कोटि के समीकरण, समीकरण जिनमें चर वियोजन है, समांगी समीकरण, रैखिक समीकरण और रैखिक रूप में कम करने योग्य समीकरण, स्टिक अंतर समीकरण, एकीकृत कारक, प्रथम क्रम और एक्स वाई पी, क्लेरोट के रूप और एकवचन समाधान, ज्यामिति के लिए हल करने योग्य, उच्च डिग्री समीकरण, एक विभेदक समीकरण का अर्थ, ऑर्थोगोनल, प्रक्षेप वक्र। तो यह थी यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड है, इसमें टॉपिक है स्थिर गुणांक वाले रैखिक अंतर समीकरण, सजातीय रैखिक साधारण अंतर समीकरण, साधारण युक्त पद अंतर समीकरण, कुल अंतर समीकरण। तो यह थी यूनिट सेकंड। यूनिट थर्ड है, इसमें टॉपिक है दूसरे क्रम के रैखिक अंतर समीकरण, आश्रित चर, स्वतंत्र चर को बदलकर समीकरण का परिवर्तन, मापदंडों की भिन्नता के तरीके, डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज सॉल्यूशन, पावर सिस्टम मेथड, बैलेंस, लीजेंड और हाइपर ज्योमेट्रिक इक्वेशन, बेसेल, लीजेंड्रे और हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन और उनके गुण। तो यह थी यूनिट थर्ड। यूनिट फोर्थ है, इसमें टॉपिक है प्रथम कोटि के आंशिक अवकल समीकरण, लैग्रेंज का हल, कुछ विशेष प्रकार के समीकरण जिन्हें सामान्य विधि के अलावा अन्य विधि द्वारा आसानी से हल किया जा सकता है, चारपीट का सामान्य समाधान की विधि। तो ये थी यूनिट फोर्थ। यूनिट फिफ्थ है, इसमें टॉपिक है दूसरे क्रम और उच्च कोटि के आंशिक अवकल समीकरण, रैखिक आंशिक का वर्गीकरण, दूसरे क्रम के अवकल समीकरण, स्थिरांक और सजातीय और गैर सजातीय समीकरण गुणांक, निरंतर गुणांक वाले समीकरणों के आंशिक अंतर समीकरण, मोगेंस तरीके। तो यह थी यूनिट फिफ्थ और बीएससी सेकंड ईयर के मैथ के सेकंड क्वेश्चन पेपर का सिलेबस। अब बात करते हैं बीएससी सेकंड ईयर के मैथ के थर्ड क्वेश्चन पेपर के सिलेबस के बारे में। इसका नाम है मैकेनिक्स।
यांत्रिकी, इसमें यूनिट फर्स्ट है समतलीय बलों के संतुलन की विश्लेषणात्मक स्थितियां, घर्षण। फिर यूनिट सेकंड है, इसमें टॉपिक है वर्चुअल वक्र, केटनरी, तीन आयामों में बल, पाइनसॉट की केंद्रीय धुरी पर सरल समस्याएं, रिंच, शून्य रेखाएं और विमान। फिर यूनिट थर्ड है, इसमें टॉपिक है रेडियल और अनुप्रस्थ दिशाओं के साथ वेग और त्वरण, स्पर्श रेखा के साथ और सामान्य दिशाएं, सरल हार्मोनिक गति, परिवर्तनीय कानूनों के तहत रेक्टिलिनियर गति। फिर यूनिट फोर्थ है, इसमें टॉपिक है हुक का नियम, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लोचदार तारों पर संबंधित समस्याएं, विश्व गति, वृत्ताकार और चक्रीय गति। फिर यूनिट फिफ्थ है, इसमें टॉपिक है प्रभाव, केंद्रीय बल, केंद्रीय कक्षाएं, पीआर समीकरण, एक कक्षा में समय, केपलर के नियम, ग्रह गति। तो ये थी यूनिट फिफ्थ और बीएससी सेकंड ईयर के मैथ के थर्ड क्वेश्चन पेपर का सिलेबस। मैथ के सिलेबस की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है।